नमस्कार साथियों, मैं अलका लांबा बोल रही हूँ। आज सबके सामने हिंदुस्तान के लोकतंत्र के परिणाम आ चुके हैं और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी को और सभी को उनके पार्टी के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इतनी शानदार जीत पर। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, जो नारा है सबका साथ सबका विकास, बस उम्मीद यही करते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं कि वो नारा सच साबित हो सके और अपना देश के अंदर जो प्यार भाईचारा है, एकता है, बस वो बनी रहे। ये शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि लोकतंत्र देश का फैसला है, उसका सम्मान हम सबको करना होगा। दूसरा, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो कांग्रेस दूसरा दल दिल्ली में है और कांग्रेस ने भी बहुत बेहतर, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो कांग्रेस का भी मैं कहूँगी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके लिए कांग्रेस को भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपनी पार्टी पर आती हूँ, आम आदमी पार्टी। हम सबकी जिम्मेदारी है थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें जैसा प्रदर्शन की उम्मीद थी वो हम नहीं कर पाए, उम्मीद से भी बहुत पिछड़ गए और हम लोगों को तीसरा स्थान ही नहीं मिला। दुख की बात है कि हम लोग आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरे स्थान के साथ अपनी बहुत सी सीटों पर जमानत भी नहीं हम बचा पाए। जमानत के साथ साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर हमारी बहुत बुरी हार हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। जहां तक मेरी चांदी चौक विधानसभा की बात है, क्योंकि मैं वही तक सीमित हूँ, सिर्फ और सिर्फ चांदी चौक विधानसभा तक की, वहां की अगर बात करूंगी तो खूब सबको मालूम है कि भाजपा के खिलाफ, क्योंकि मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मेरी चांदी चौक विधानसभा से भाजपा हार कर गई है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर, कांग्रेस वहां पर जीती है वहाँ पर मेरी विधानसभा में। और अगर मैं अपनी साथ वाली विधानसभाओं की बात करूँ, मटिया महल, जहाँ से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री आते हैं, मटिया महल, वहाँ पर मात्र 6,000 वोट पार्टी को मिले। और वहीं पर एक और मेरी साथ वाली विधानसभा है, जहाँ से अभी के मंत्री, जो दिल्ली सरकार में अब मंत्री हैं, बल्ली मारान, वहाँ मात्र 8,000 वोट मिले और मेरी चांदी चौक विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जो है वो 9,000 से ऊपर वोट मिले। अपने आप को चांदी चौक तक सीमित रखा, खूब मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की। लोग ये सोचते रहे कि, कहते रहे कि माहौल भी ऐसा बहुत बार पार्टी में कुछ लोगों ने बनाया, शिकायत नहीं है कि अलका लांबा के लिए भी ऐसा माहौल बनाए कि दूसरे विधायकों की तरह, दूसरे लोगों की तरह वो भी पार्टी छोड़कर चली जाए, पर उनके मनसूबों पर पानी फिर गया। माफी चाहूंगी कि पूरा चुनाव निकल गया, अलका लांबा कल भी आम आदमी पार्टी में थी और आज भी आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हाँ, पार्टी को एक बात अच्छी नहीं लग रही कि मैं बार बार पार्टी नेतृत्व को क्यों अपनी बार बार हो रही गलतियों के बारे में बता रही हूँ। आज भी व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाल दिया गया, बहुत छोटी सी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालना, 25 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में हूँ, बहुत छोटी चीज़ें हैं, मायने नहीं रखता कि आज मुझे फिर पार्टी के ग्रुप से निकाल दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने उसमें लिखा कि हमें अपनी गलती को मानते हुए, हमें अपनी गलती को मानते हुए जनता से माफ़ी मांगनी है और जनता के बीच में दोबारा जाकर एक मौका देने को कहना है। मैंने तो बस इतना पूछा कि वो गलती क्या है, क्या वो नई गलती है या हम पुरानी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। और जिस पार्टी को 2015 में 70 में से 67 सीटें, ऐतिहासिक बहुमत मिला, मात्र 5 साल में हम 18% वोट पर जमानत जब्त करा के सिमट रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लोगों ने एक विकल्प के तौर पर चुना था, एक विकल्प के तौर पर देखा और आज भी देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के अंदर जो है, सरकार के अंदर गवर्नेंस के मामले में, शिक्षा स्वास्थ्य में शानदार काम हुआ है, मैं इसकी बिल्कुल कहूंगी, लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, जहां पर संगठन की बात है, उसे चलाने की बात है, मैं आज फिर कह रही हूँ जो मैं इन चुनावों से पहले भी बार बार कह रही थी, अब भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं पार्टी की वेलविशर हूँ, मैं पार्टी का भला चाहती हूँ, पार्टी में एक विकल्प मैं आज भी देखती हूँ इस पार्टी के अंदर जो है दिल्ली के लोगों को की आज भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ यही कहा कि गलती कौन सी गलती, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या वो गलती बार बार हो रही है या पहली गलती थी, उस गलती से हमने सबक क्या लिया, हमारी कमियां क्या रही, उस पर चर्चा हो और हम आगे का रास्ता मिलकर सब कुछ भुलाकर तय करें। बस मेरी ये बात पसंद नहीं आई और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। बहुत लोगों की कोशिश है जैसे बताया कि पार्टी छोड़ दूं, पार्टी नहीं छोड़ूंगी। लोगों ने झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर 5 साल के लिए वोट दिया है, वो 5 साल तो मैं पूरे करके जाऊंगी। 5 साल के बाद 2020 में जब दिल्ली का चुनाव होगा,
जो पार्टी को तय करना होगा कर लेंगे, अभी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और ना मैं पार्टी को छोड़ूंगी। मुझे मालूम है ये मेरी बात को सुनकर पार्टी के भीतर जो लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं कि दूसरों की तरह जो दूसरे विधायक भी अभी चले गए पार्टी चुनावों के दौरान चले गए या उससे पहले भी बड़े नेता गए, ये क्यों नहीं जाती है। लोगों ने कहा आप क्यों इतना अपमान सह रही हैं, आप क्यों नहीं चली जाती। कुछ लोगों ने चर्चा की कि मोदी जी को बधाई दे रही है इसलिए भाजपा में जा रही हैं। नहीं नहीं ये तो कांग्रेस की है, ये तो कांग्रेस का डीएनए है, कांग्रेस में जाएगी। पर सच्चाई ये पूरा चुनाव निकल गया, मैं आम आदमी पार्टी की विधायक थी हूँ और मैंने खूब आम आदमी पार्टी के लिए अपनी विधानसभा में, ठीक है उम्मीदवार के साथ मैं नहीं चली क्योंकि पार्टी नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी जगह भी जाकर प्रचार करूँ। 11वीं लोकसभा थी 1996 में, तब से लेकर 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा तक वाराणसी में अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूरे देश में पार्टी के लिए खूब प्रचार किया। लेकिन ये पहली ऐसी लोकसभा का चुनाव था 17वां जिसमें मैंने सिर्फ अपने आप को अपनी चांदनी चौक विधानसभा के दायरे तक सीमित रखा और वहां से भाजपा हारी। पार्टी को सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया था नवीन पटनायक जी का, शुभकामनाएं देती हूँ नवीन पटनायक जी को। 5वीं बार नवीन पटनायक जी अपने दम पर उड़ीसा में पूर्ण बहुमत लेकर आए हैं। भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय दल हैं, पुरानी पार्टियां हैं, पर उड़ीसा में नवीन पटनायक जी का कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि नवीन पटनायक जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। जमीन पर कमियां सब में होंगी, सब में हैं, किसी के पास जादुई की छड़ी नहीं है। तो नवीन पटनायक जी का भी मैं देखती हूँ कि 5वां टर्म उन्हें मिला है, पूर्ण बहुमत से आए हैं 5वीं बार, बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रीय दल मिलकर भी भाजपा कांग्रेस कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उड़ीसा को कभी छोड़ा नहीं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत कर ली। क्योंकि उस लीडर के मन में भी हो सकता है कि मैं 5 बार का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना, वो भी देख सकते हैं, देखना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं, और वो भी देश भर में एसपी बीएसपी आम आदमी पार्टी की तरह पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे। पर नहीं, नवीन पटनायक जी 5वीं बार जीत कर आते और अपने आप को उड़ीसा के लोगों के लिए समर्पित किया हुआ। यही मेरा एक सुझाव, मेरी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया कि मैंने क्यों नवीन पटनायक जी का उदाहरण देते हुए उन्हें ये कहा कि आपको दिल्ली के लोगों ने बहुत विश्वास करके एक विकल्प के तौर पर चुना है और ऐतिहासिक बहुमत देकर चुना है, आप अपने आप को पूरी तरह से भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए झोंक दीजिए। मात्र 2012 में तो हम पार्टी बने हैं। नवीन पटनायक जी को उदाहरण दिया जो पसंद नहीं आया, शायद इसीलिए मुझे ग्रुप से वापस हटाया गया है। फर्क नहीं पड़ता, विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों द्वारा चुनी गई हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से निभा रही हूँ। चांदनी चौक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ब्यूटिफिकेशन का, SRDC शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉल सिटी के अंदर जो 10 सालों से फाइलों में धूल चाट रहा था, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने में मैं कामयाब रही हूँ और उस कामयाबी में यकीनन मेरी आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल जी मेरे पीछे खड़े रहे। इसलिए लोग कहते हैं इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है, मेरा सपना है, लोगों से वायदा था कि चांदनी चौक का जो सौंदर्यकरण है, जो ब्यूटिफिकेशन का काम अभी चल रहा है, जिसे पूरी उम्मीद है इस दिसंबर तक हम पूरा कर देंगे, मैं अपने उस फायदे को जो मैंने एक विधायक के तौर पर अपनी जनता से किया है उसे पूरा कर लूंगी। विधायक से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा टेन्योर पूरा हो जाएगा, उसके बाद पार्टी जो भी फैसला करे। लेकिन हाँ, निकालना चाहे तो मैं किसी को रोक नहीं सकती। अगर लगता है कि अलका बार बार इस तरह के सुझाव देकर गलत करती है, जब दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, 5 महीने से पार्टी की मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है, कोई राय मशवरा नहीं किया जा रहा है, तो चिंता होती है कि पार्टी किस तरफ जा रही है। इसलिए मैंने सोशल मीडिया, आप ही ने तो कहा था कि अरविंद जी की मोहल्ला सभाएं कीजिए, जनमत करिए, लोगों में जाइए, लोगों से बात करिए, जो फैसले करने लोगों के बीच में करिए, और इसीलिए वही रास्ता जब मैंने चुना है तो पार्टी को लगता है कि मैं अनुशासनहीनता कर रही हूँ, मैं पब्लिक में क्यों बात कर रही हूँ। मुझे लगता है पब्लिक के लोग हैं, ये मेरी घर की पर्सनल बातें नहीं हैं जो मैं पब्लिक में कर रही हूँ, ये एक राजनीतिक दल है, लोगों ने एक विकल्प के तौर पर पूरे रामलीला मैदान से, अन्ना आंदोलन से यहाँ तक हमें पहुँचाया है, क्या चल रहा है, क्या गलतियाँ, क्या कमियाँ हैं। मुझे लगता है कि मैं भी आज जनता से बात कर रही हूँ, मेरी गलती कहाँ है। मुझ पर बार बार शक किया गया कि लालची है, इसे लोकसभा का टिकट चाहिए। मुझे लगता है जब साध्वी प्रज्ञा आतंकवाद की आरोपी सांसद हो सकती हैं, तो मेरे पढ़े लिखे ईमानदार 25 साल से राजनीति में मेहनत कर रहे ईमानदार से जो है, उनको वहां क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? वो लालच कैसे, जाने कि जितने लोग लड़े हैं वो लालची हैं,
सो मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात है, हिंदुस्तान की राजनीति में आए हैं और बिल्कुल अपने आप को उस मुकाम पर देखना चाहते हैं जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की को मदद कर सके, शोषित पीड़ित गरीब किसान के लिए कुछ हम एक उम्मीद की किरण बन पाए, इसलिए हम लोग राजनीति में हैं। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से कहूंगी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, आपकी शुभचिंतक हूं। बहुत से विधायक मुझे लगातार फोन कॉल एसएमएस कर रहे हैं, ये भी बात बोल दो, वो भी बात बोल दो, ऐसे कि तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो। आज तो शनिवार है, अरविंद जी ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई थी, मैंने सुना, अरविंद जी ने बताया व्हाट्सएप ग्रुप में हटाने से पहले, आपने क्यों नहीं वहां ये बात कही? वहां ये कहा गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप जनता में जाइए, माफी मांगिए और एक मौका और देने को कहिए। दिल्ली की जनता को बहुत ठेस पहुंची कि जिस पार्टी को 2015 में इतना ऐतिहासिक बहुमत दिया था, आज वो यहाँ पहुंच गया। जिस बातों का आज गोपाल राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, हमसे गलती हुई, महागठबंधन का हिस्सा बनकर या कांग्रेस के सामने झुक झुक कर हमसे गलती हुई, हमारा सारा वोट कांग्रेस की तरफ हो गया। मेरे वीडियो उठाकर देखिएगा, चुनावों से पहले मैं यही बात कह रही थी आपसे बार बार कि आपको लोगों ने इन सब के सामने एक ईमानदार विकल्प चुना है और आप इस महागठबंधन में एसपी बीएसपी सबके साथ खड़े दिख रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्यों नवीन पटनायक की तरह अपना एक स्टैंड, अपने आप को एक अपनी जो है प्रसंगित जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखकर एक विकल्प बनाकर खड़े रहे, लेकिन आप भीड़ में शामिल हो गए। लोगों ने हमें आकर कहा, लोगों ने कहा कि क्यों आप कांग्रेस के सामने इतना झुक रहे हो, आपको कांग्रेस की लगता है जरूरत है, कांग्रेस के बिना आपकी नाव पार नहीं होगी। और यही हुआ, हमने मैसेज अरविंद जी ने बार बार दिया, हम तो चाहते हैं कांग्रेस से गठबंधन हो, बट जाएंगे, ये हो जाएगा। वोट बटा नहीं, वोट एक तरफा पूरी तरह कांग्रेस के पास चला गया और हम तीसरे नंबर पर ने जमानत जब्त कर ली। बहुत दुख हुआ। अगर अरविंद जी ये सब पार्टी में ना बात कर लेते, विधायकों को बुलाते, हमारे उम्मीदवारों में, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में कोई कमी नहीं, सब ईमानदार मेहनती रहे, पर क्या कारण रहा? पंकज गुप्ता, दिलीप पांडे और हमारे एक दो और उम्मीदवार जमानत जब्त हो गए, अच्छे उम्मीदवार थे। लेकिन बात होती कि विधायकों को, कार्यकर्ताओं को बुलाकर अरविंद जी पूछते कि उम्मीदवार कौन होने चाहिए। उम्मीदवार अच्छे थे पर जनता के लिए बहुत नए चेहरे थे, जा जाकर बताना पड़ा ये पंकज गुप्ता जी हैं, इनका बैकग्राउंड ये है। लोगों को जानने में ही हमारा इनका समय निकल गया और हमारा चुनाव का समय निकल गया। उम्मीदवार कौन हो, पार्टी के मुद्दे क्या हो, दिल्ली का पूर्ण राज्य मैं बार बार कहती रही, मुद्दे क्या रहे इन चुनावों में, बैठा बुलाइए विधायकों को, बुलाइए जमीनी कार्यकर्ताओं को, वो आपको बताएंगे कि राष्ट्र का, देश का चुनाव है, क्या मुद्दे होने चाहिए। दिल्ली पूर्ण राज्य लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, इस मुद्दे पर हमें वोट नहीं मिलेगा, समझ नहीं आया। लेकिन अब जब सब कहते हैं, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब समझ आ रहा है कि मुद्दा भी नहीं ठीक था, महागठबंधन का हिस्सा बनना भी ठीक नहीं था, कांग्रेस के सामने झुकना भी ठीक नहीं था। उम्मीदवारों में भी कहा जा रहा है कि अगर विधायकों को दे देते तो कम से कम 4-5 साल में जो विधायक सक्रिय रहे हैं अपने इलाकों में, वहां तो लोग उन्हें जानते, उनके कामों से तो फायदा मिलता, लेकिन सबक नहीं ले रहे। यही गलती हम लोगों ने दिल्ली नगर निगम में की थी, यही गलती हम लोगों ने अभी लोकसभा में की है, लेकिन 6 महीने बाकी हैं, दिसंबर में चुनाव है। मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से कहूंगी, आपने मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया, पूरी तरह हर मीटिंगों से बाहर कर दिया, मुझे मालूम है कि मैं अब आपकी तरफ से, पार्टी से पूरी तरह से बाहर फेंक दी गई हूँ, लेकिन कोई चिंता नहीं, मैं आज भी आपकी शुभचिंतक हूँ। आज भी ये कहूंगी आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर कि जब जब भाजपा, कांग्रेस कांग्रेस भाजपा से लोग त्रस्त हो जाए, निराश हो जाए, इन्हें सबक सिखाना हो तो लोग आपकी तरफ देखें। लेकिन दुख की बात है कि लोगों ने हमें सबक सिखाना शुरू कर दिया और हमारी जमानत जब्त करके तीसरे नंबर पर हम आए हैं। मैं आपसे दोबारा कहूंगी, मैं चांदनी चौक की विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, अभी इस समय अमेरिका में हूं, पूरी ईमानदारी के साथ खूब मेहनत की, मेरी फेसबुक पे आप देख सकते हैं, गली मोहल्लों में पार्टी के लिए जो है वोट मांगे और मेरी जो साथ की विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट, पूर्व मंत्री और अभी के मंत्री से तो ज्यादा वोट मेरे, मैंने आम आदमी पार्टी को दिलाए हैं। किसी की खिलाफत नहीं की, कांग्रेस के मंच पर नहीं गई, जो कहा गया ये बार बार कांग्रेस के मंच पे जाएगी, कांग्रेस ज्वाइन करेगी, भाजपा में जाएंगी, कुछ ऐसा नहीं हो। आज आपके सामने बैठी हूँ, वापस लौटूंगी भारत, अपनी चांदनी चौक विधानसभा में पहुंचूंगी। जो अधूरा काम चांदनी चौक के सौंदर्यकरण का चल रहा है और भी जो वायदे हैं, ईमानदारी से वायदा है, यहाँ से भी लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, व्हाट्सएप पे लोगों के समस्याएं आती रहती हैं, यहाँ सड़क खुद गई, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर ये कुछ भी समस्याएं आ रही हैं, लगातार मेरा ऑफिस खुला हुआ है, मैं ऑफिस में संपर्क में हूँ, लोगों से व्हाट्सएप पे मैं कॉल भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ और उनके JEE अधिकारियों के साथ लगातार, मात्र 10-15 दिन की छुट्टी लेकर
अपने लोगों से इजाजत लेकर आई हूँ, वापस लौटूंगी और 2 जून से ईद की जो है त्योहार से अपनी वापसी करूंगी, और उसके बाद पूरे 6 महीने दिसंबर तक, जब तक विधायक हूँ, बाकी आगे का फैसला मेरी चांदनी चौक की जनता कर लेगी। अगर उन्हें लगता है कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, लोगों के सुख और दुख में उनके साथ खड़ा रहे, जो वायदे किए हैं उसके लिए कमिटेड रहे, और लगे कि हाँ महिलाओं को हिंदुस्तान की राजनीति में जो है ज़रूरत है, क्योंकि खुशी है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 14% से अधिक महिलाएं, 76 महिलाएं इस बार संसद पहुंची हैं। लोग देखना चाहते हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ते हुए, और वो बेटियां हम ही से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, क्योंकि मैं भी इंदिरा जी को देखकर हिंदुस्तान की राजनीति में आई थी। तो मैं सब फिर बात वापस घूम के वहीं आ रही हूँ। दोबारा से भाजपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, खूब अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्हें भी शुभकामनाएं, मुबारक। आम आदमी पार्टी के लिए सबक लेने का समय है, सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन शुभचिंतक के तौर पर कोई ना कोई माध्यम से आप तक अपनी बात जरूर पहुंचाती रहूंगी अरविंद जी, चाहे फेसबुक लाइव करूं, चाहे व्हाट्सएप करूं, चाहे वीडियो करूं, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती रहूंगी। और उन लोगों से माफी चाहूंगी जिन्हें ये लग रहा है कि हमारे सारे प्रयासों के बाद भी ये इस्तीफा क्यों नहीं देती, ये पार्टी छोड़ती क्यों नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस में क्यों नहीं जा रही। व्हाट्सएप पे लोग जो है, ट्विटर पे, मैडम आप कांग्रेस में आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाइए, और वो जो कहते हैं, तो मुझे एक सम्मान लगता है कि लोग मुझे अपनी पार्टियों में देखना चाहते हैं, तो मैं उसे सिर्फ लाइक करती हूँ, तो मेरे उनके कमेंट जब मैं लाइक करती हूँ तो लोगों को लगता है मैं भाजपा में जा रही हूँ, फिर लगता नहीं मैं कांग्रेस में जा रही हूँ। मैं आपसे बता रही हूँ, मैं अगले 6 महीने तक एक जनप्रतिनिधि, जब तक विधायक हूँ, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर लेती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी जनता के बीच में जाऊँगी, उनके बीच में सक्रिय रहूँगी, जो वायदे, जो काम अधूरे रह गए हैं, वो 6 महीनों में पूरा प्रयास करूँगी कि पूरे दम के साथ पूरा करूँ, और पार्टी को कहूँगी, दोबारा से कहूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर करना बहुत छोटी बात है। मुझे तो ये था कि अरविंद जी सारे विधायकों का आप बुला रहे हैं, उनसे बार बार कह रहे हैं कि लोगों में जाइए, लोगों से कहिए हमसे गलती हो गई है, माफ़ी मांगिए, हमें एक मौका और दे दीजिए। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि एक मौका दे दीजिए, मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं आप लोगों से, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लोग कहते थे मंत्री नहीं बनाया इसलिए पार्टी छोड़ेंगी, अरे 5 साल पूरे हो गए आपने, आपने मंत्री नहीं बनाया और मैंने पार्टी भी नहीं छोड़ी। तो जो लोग ये कहते थे कि मंत्री बनने आई है, विधायक बनने आई है, सांसद बनने आई है, मुझे, मैं आपका 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 धन्यवाद करती हूँ कि आप आदमी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। 2003 में कांग्रेस ने भी टिकट दिया था, मदनलाल खुराना जी, आदरणीय मदनलाल खुराना जी, आप इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत कद्दावर नेता थे, कांग्रेस ने मुझे 2003 में टिकट दिया था, और मदनलाल खुराना जी के सामने लड़ने का सौभाग्य भी मिला, बहुत सीखने को मिला मदनलाल खुराना जी के सामने चुनाव लड़कर। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुझे कभी टिकट नहीं दिया, अलग बात है टिकट दिया, कद्दावर नेता के सामने दिया और मैं चुनाव हारी। और आपका भी अरविंद जी, आम आदमी पार्टी का, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मनीष सिसोदिया जी का, संजय सिंह जी का, कुमार विश्वास जी का, सबका, जो मुझे उस समय जब मैं कांग्रेस में थी तो मुझे बार बार ये समझाते रहे कि आम आदमी पार्टी को, दिल्ली को, तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तुम्हें आना चाहिए, हम तुम्हें टिकट दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने 13 में मना कर दिया, नहीं लड़ी, 28 पे सिमट गए। तो जब 2015 का चुनाव आया, मुझे भी महसूस हुआ कि बहुमत के बिना, अपने दम पे सरकार के बिना नहीं चलेगा, और तब मैंने मनीष सिसोदिया जी के साथ जो लंबी मीटिंग के बाद ये फैसला किया कि ठीक है मैं 2015 का चुनाव लड़ूंगी। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे टिकट दिया और मैंने कांग्रेस का गढ़ चांदनी चौक तोड़ा, पूरा कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ। उसमें कांग्रेस के लोगों ने भी खूब मदद की, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं हराना चाहते थे, लेकिन वो भाजपा को दिल्ली में हराना चाहते थे, और जिसमें वो कामयाब हुए। इसलिए पूरा कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी में, और भाजपा 2015 में मोदी जी की बहुमत की सरकार 14 में बनी थी, हार गए और हमें 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 पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे टिकट दिया, आपकी वजह से मैं विधायक हूँ, और 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ विधायक बनी हूँ। इसलिए 5 साल केजरीवाल के नारे को पूरा करके आप मुझे चाहेंगे तो पार्टी से निकाल दीजिएगा, लेकिन इस पार्टी को एक विकल्प के तौर पे दिल्ली देख रही है। कमियाँ हैं, बताती रहूँगी एक शुभचिंतक बनकर, क्योंकि मेरे में भी बहुत कमियाँ होंगी। मेरे शुभचिंतक जब सभ्य भाषा में, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, मेरे शुभचिंतक जब सभ्य भाषा में मुझे मेरी कमियाँ बताते हैं, मुझे मेरी गलतियाँ बताते हैं, तो मैं उनको उनको अप्रिशिएट करती हूँ।
मैं उनकी सराहना करती हूँ कि आप मुझे बताइए, मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितना अपने आप को सुधारूंगी उतनी मैं बेहतर सेवा कर पाऊंगी लोगों के बीच में समर्पित होकर। उसी तरह मैं आपकी शुभचिंतक हूँ। यूं ही 20 साल की कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के आंदोलन में वाराणसी में 2014 का चुनाव आपको याद होगा, वो बेनिया बाग की मीटिंग, कहाँ कहाँ खाक ने छानी, कितना 5 साल गाली नहीं खाई, ये आप भी जानते हैं कि मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, ये आप जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम जो आप फासले बार बार करते हैं कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाना है, मुझे ग्रुप से निकाल देना है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बात करी। मुझे नवीन पटनायक का मैंने उदाहरण क्यों दिया, मैंने क्यों पार्टी को बोला कि हम तीसरे पर क्यों आगे इसमें मंथन करना चाहिए, जब पार्टी के दरवाजे बंद हो जाएंगे आप मुझे ग्रुप से सब बाहर कर देंगे, या मैंने जब कहा कि हमारी गलतियाँ क्या, इस पर भी हम एक बार विचार करें, ग्रुप से निकाल दिया जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगी, मैं सक्रिय राजनीति में 25 साल से हूँ, आगे भी रहूँगी, जनता की सेवा करती रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुझे मालूम है वहाँ पर रात हो गई है और यहाँ पर अभी दिन हुआ है, आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ, आपको आपकी आपकी रात्रि शुभ रहे और आपसे इसी तरह जुड़ी रहूँगी। बस इतना कहना चाहूँगी, ये वीडियो को शेयर करिएगा, खासतौर से आम आदमी पार्टी के समर्पित आंदोलन के कार्यकर्ताओं से कहूंगी इसलिए शेयर करिएगा ताकि ये आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, जिनसे मेरी कोई बात नहीं हो पा रही है, जो मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे, मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया है, वो मुझे अपना दुश्मन मानने लग गए हैं, उन्हें कहिए मैं दुश्मन नहीं हूँ, आपकी शुभचिंतक हूँ। शायद आपको विधायक डर से, शर्म से, किन्हीं कारणों से नहीं बात कह पा रहे होंगे, वो बार बार मुझे बोलते हैं और मैं अब सोच रही हूँ कि जब मुझे बाहर कर ही दिया गया है तो मैं एक वेल विशर बनकर, शुभचिंतक बनकर अपनी बात को रखूँ। सुधारिए, लोकतंत्र लाइए पार्टी के अंदर, बुलाइए विधायकों को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को, एक एक फैसला जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम पर आपने मोहल्ला सभाएँ कर करके, जनमत कर करके किए थे, लाइए वापस, वो जिंदा करिए आपकी पार्टी को, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन बार बार गलतियां करके लोगों के बीच में जाकर कहेंगे हमसे गलती होगी, माफ़ी कर दो, एक मौका। अब लोग पूछते हैं क्या पूर्ण राज्य का दर्जा क्या क्या होगा, आपने कहा था 7 सांसद आएंगे, दर्जा मिलेगा, हमारे हाथ में ये आएगा, अब तो जमानत जब्त हो गई है, अब क्या होगा, 7 साल पूर्ण राज्य तो नहीं मिलेगा। अब अगली बार अगर मौका दे दिया तो क्या आप फिर रोते रहेंगे कि हमें ये काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, चुनौती भरा चुनाव रहेगा, लेकिन हम इस चुनौती को लेने के लिए सब तैयार बैठे हैं। मैं आपसे विदा लूंगी, आपको सभी को शुभकामनाएं और आप शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।